हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राज गुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, मैं इसके लिए बुक फॉलो कर रही हूँ कल्याणी पब्लिकेशन की, जैन एंड नारंग की। ठीक है जी, तो उसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में इसमें हम कंसेप्ट कर चुके हैं इनवॉइस प्राइस का, अनसोल्ड स्टॉक का, और लास्ट वीडियो में हमने किया था नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का। तो उसमें जो मैंने सम्स करवाए थे वो एक सम मैंने नॉर्मल लॉस का करवाया, बाकी सारे सम्स हमने एबनॉर्मल लॉस के किए थे। आज हम करने जा रहे हैं जिसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों ही दी हुई हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, मैं 48th एग्जाम्पल करने जा रही हूँ। 48th एग्जाम्पल में देखो क्वेश्चन जो दिया है, दैट इज़ 5000 kg घी वाज कंसाइंड, ईच के जी 80 rupees, आर ने जो एक्सपेंसिस पे किए दैट इज़ 500 कैरेज, 250 फ्रेट, 200 इंश्योरेंस। रास्ते में जो है 500 kg घी डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने इतनी पेमेंट की है। जो लॉस इंश्योर हो सकती है दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस, इट मीन्स कि ये जो लॉस है ये एबनॉर्मल लॉस है। देन हमें सेल दी हुई है 3500 kg की एट द रेट ऑफ 95। ठीक है, और कंसाइनी के एक्सपेंसेस दिए हैं, दोनों एक्सपेंसेस आफ्टर गोडाउन है, तो इट विल नॉट पार्ट ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक। इसके अलावा हमें दी हुई है के की कमीशन 5%, और देयर इज अ लॉस 20 kg घी ड्यू टू लीकेज। कहने का मतलब ये है कि लीकेज से 20 kg लॉस होगी। ये जो लॉस हुई है लीकेज की वजह से, इट इज़ अ नॉर्मल लॉस। अब जो नॉर्मल लॉस है उसकी एंट्री तो कहीं डालनी नहीं है, जब हम अनसोल्ड स्टॉक करेंगे तो वहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम करें टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ जी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है हमारे पास, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5000 kg ऑफ घी एट द रेट ऑफ 85। ठीक है, 80 तो ये हो गया हमारा 4 lakh rupees का। देन आ गया कंसाइनर का एक्सपेंस। कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है तो एक तो उसने कैरिज पे किया है जैसा कि मैंने बताया था आपको 500। ठीक है, फ्रेट पे किया उसने 250। देन उसने इंश्योरेंस पे किया है 200। टोटल हो गया 950। ठीक है, जैसे ही हमने एक्सपेंस की एंट्री डाली उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांजिट उसने हमें एबनॉर्मल लॉस के बारे में बताया है। तो पहले हम एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जैसा कि हम जानते हैं हमेशा कॉस्ट पे लेनी है, तो एबनॉर्मल लॉस कितने की है, 500 kg की। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले हम उसकी कॉस्ट लेंगे। कॉस्ट 500 × 80 इज इक्वल टू 40,000। देन हम इसके एक्सपेंस लेंगे 950 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 500, इट इज इक्वल टू 95। ठीक है, 95 तो ये आ गया 40,095। अब हम बात करेंगे सेल की। नेक्स्ट उसने हमें दी है सेल। सेल कितने की हुई है, सेल हुई है 35 kg एट द रेट ऑफ 95। 3500 kg एट द रेट ऑफ 95, 3,32,500। क्लियर है। देन उसने कहा है गोडाउन रेंट और सैलरी, तो यहाँ पे आ जाएगा टू केज अकाउंट गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट और सैलरी टू द स्टाफ। गोडाउन रेंट आ गया 1500, सैलरी टू स्टाफ आ गया 1750। अब क्योंकि हम सेल ले चुके हैं तो कमीशन भी कैलकुलेट कर लें। 5% किसका, 3,32,500 का, तो ये आ गया 16,625। ठीक है, देखो जी कॉस्ट होगी, एक्सपेंसेस होगे, एबनॉर्मल लॉस भी होगी, सेल्स भी होगी, एक्सपेंसेस होगे, कमीशन होगी। अब हमने लीकेज की जो है ट्रीटमेंट करनी है, तो 20 kg ऑफ घी जो डिस्ट्रॉय ड्यू टू नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसकी हम एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक में करेंगे। तो बाय
अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे किस में, वर्किंग नोट्स में, ठीक है। वर्किंग नोट्स में कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लेनी है। हाँ जी, कॉस्ट हमने लेनी है 5000 के जी एट द रेट ऑफ 80, कितनी आ गई 4 लाख, ठीक है। प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, टोटल ले रहे हैं ना, तो एक्सपेंसेस भी टोटल ही लेंगे 950, 4 लाख 950 माइनस पहले एबनॉर्मल लॉस, कितनी 500 के जी, कितने की 40095, ठीक है। तो रह गए हमारे पास कितने यूनिट्स, 4500 के जी। हाँ जी, ये आ गई 4950 माइनस 4095, 3,60,855, बोलो क्लियर है। अब इसमें से यहाँ तक तो ओके है, जैसे हम पहले करते थे। अब इसमें जब नॉर्मल लॉस भी दी होगी ना, तो नॉर्मल लॉस हमने यहाँ पे माइनस करनी है। नॉर्मल लॉस हमें दी है 20 केजी की, तो यहाँ पे यूनिट्स आपने माइनस करनी है, क्वांटिटी ये अमाउंट सेम रखनी है, यूनिट्स लेस होंगी ये सेम रहेगी, पॉइंट क्लियर। अब इसमें से हमने सेल कर दी है कितनी यूनिट्स, यस 3500, कितनी बच गई 980। तो अनसोल्ड स्टॉक क्या सिर्फ डिफरेंस है, जब हमने नॉर्मल एबनॉर्मल का क्वेश्चन करना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस हमने टोटल कॉस्ट ली, टोटल यूनिट्स की टोटल कॉस्ट ले ली, एबनॉर्मल लॉस है तो यूनिट्स भी माइनस होंगी, अमाउंट भी माइनस होगी, नॉर्मल लॉस है तो सिर्फ यूनिट्स माइनस होंगी, कॉस्ट विल रिमेन सेम। यही फ़र्क है नॉर्मल और एबनॉर्मल का। नॉर्मल लॉस में हमने क्या कर दिया, रेट इन पर यूनिट राइज कर दिया, क्यों, क्योंकि कुछ यूनिट ऐसी थी जो कि हमें पता था लॉस होनी ही होनी है। तो अब हमारे पास जो नाइन, जो कॉस्ट पहले 4500 यूनिट्स की थी, हमने वही कॉस्ट अब 4480 की ले ली। इससे क्या हो गया, पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो बस हमने इस तरह से अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट कर लेना है। तो अनसोल्ड स्टॉक आ गया हमारा 78,937 रुपीस। अब ये जो अनसोल्ड स्टॉक आ गया, बस यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट वन नहीं है ना, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस मैंने ऊपर ही लिख कैलकुलेट कर ली थी। तो ये आ गया 78,937, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आ गया कितना 30,707, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा इसमें केस अकाउंट बनाओगे आप, ठीक है, बना लोगे, जिसमें हमने एक इस साइड सेल डालनी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इसको माइनस करके बाकी बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, ठीक के बना दूँ, चलो बना ही देते हैं। हाँ जी, केस अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड लेंगे जो उसने सेल की है, टू कंसाइनमेंट, तो सेल उसने की थी 3,32,500। इस साइड हम लोग लेंगे उसकी जो भी एक्सपेंसेस प्लस कमीशन है, तो एक्सपेंसेस और कमीशन उसकी थी 19,875। डिफरेंस जो आएगा बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि उसने पे कर दिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस ही लिख के चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये आ गया बाय कंसाइनमेंट 4 लाख, ठीक है, टू परचेजेस 4 लाख, अकाउंट्स क्लोज, ठीक है जी। एक हम क्या करेंगे,
हम लोग इन द बुक्स ऑफ के, इन द बुक्स ऑफ के क्या बनाएंगे, आर का अकाउंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। जैसे जैसे मतलब एक तो इसने क्या किया, आर जो जो एक्सपेंसेस किए वो इसने आर के अकाउंट में डाल दिए, जो इसको कमीशन मिली टू कमीशन कर दिया। ठीक है ना, कमीशन हमने कैलकुलेट की हुई है। जो इसके पास सेल करके पैसा आया बाय बैंक 3,32,500, अब जो बचा इसको क्या लिखेगा, बैलेंस कैरिड। क्लियर, 3,32,500, 3,32,500। ठीक है जी। हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑफ मुंबई कंसाइन 1,000 बैरल्स ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल 800 पर वेल। ठीक है, ये तो होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ठीक है, ही पेड 50,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस, 25 बैरल्स वर डिस्ट्रॉयड इन द ट्रांजिट। ठीक है, अब ये जो लॉस हुई है इन द ट्रांजिट, ये एबनॉर्मल लॉस है बिकॉज इंश्योरेंस स्कीम वॉज सेटल। ठीक है, जो चीज़ जो लॉस इंश्योर हो सकती है दैट इज एबनॉर्मल लॉस। सेंट्रल ऑयल कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट, उसने बिल दी है, बिल जो है वो होगी क्या है, एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय द कंसाइनी, तो ये कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट में आएगा। देन देयर इज अ लॉस, 750 बैरल सोल्ड एट 1,200 पर बैरल। ठीक है जी, अदर एक्सपेंसेस हमें कंसाइनी के ये दिए हैं, 25 बैरल्स लॉस्ट ड्यू टू लीकेज विच इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस। ये तो इसने लिख दिया, नहीं भी लिखता तो ड्यू टू लीकेज जो भी लॉस है दैट इज अ नॉर्मल लॉस। तो सेंट्रल ऑयल कंपनी इज अ कमीशन 5%। ठीक है, तो सेंट्रल पेड द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट। करें शुरू, तो फर्स्ट आ गया हमारा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ऑयल इंडिया लिमिटेड है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की बुक्स है। ठीक है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितनी, 1,000 बैरल्स एट द रेट ऑफ 800, 8 लाख। ठीक है जी, देन कंसाइनर पेड एक्सपेंस टू कैश। ठीक है, ये जो कंसाइनर एक्सपेंसेस पेड कर रहा है, कहीं पे मैं कैश लिख रही हूँ, कहीं पे बैंक लिख रही हूँ, तो कहीं भी ये स्पेशली मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप लोग इसको कैश भी लिख सकते हो। बैंक वैसे तो ये कहते थे कि अगर चेक से पे हो तो बैंक लिखना है, बट जो बड़ी अमाउंट है जैसे मोर देन 10,000 है, तो उस पर अगर हम बैंक लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स है वो बैंक के थ्रू ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कैश। ठीक है जी, तो 50,000 जो है उसने एक्सपेंस पे किया। ठीक है, तो 25 बैरल्स वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, तो एबनॉर्मल लॉस आ गई, यहाँ पे आएगी एबनॉर्मल लॉस कितनी, 25 बैरल्स की। ठीक है, तो 25 बैरल्स कितने के हो गए, कॉस्ट एट द रेट ऑफ 800, 20,000 प्लस एक्सपेंस 50,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 25, 1,250। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो कितनी आ गई, दैट इज 21,250। क्लियर है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ना है वैसे ही करना है। इंश्योरेंस क्लेम की हम लोग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे। ही टुक डिलीवरी, ये एडवांस की हम लोग पर्सनल अकाउंट में करेंगे। इसके बाद हमें दी हुई है सेल, सेल कौन कर रहा है, सेंट्रल ऑयल कंपनी बाय सेंट्रल ऑयल कंपनी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेल्स 750 बैरल्स एट द रेट ऑफ 1,200।
तो टोटल सेल जो उन्होंने की है कितने की आ गई, 9 लाख की। ठीक है जी, 9 लाख की टोटल सेल आ गई। सेल आने के बाद ठीक है, द अदर एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी आर गिवन। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल ऑयल के एक्सपेंसेस लिख रही हूँ, सेंट्रल ऑयल कंपनी। तो पहला उसने दिया हमें अनलोडिंग, अनलोडिंग एक्सपेंस याद है ना, ये हम लोग अनसोल्ड स्टॉक में लेंगे। वेजेस ऑफ सेल्समैन 50,000, ठीक है जी। देन प्रिंटिंग इज आल्सो रेकरिंग एक्सपेंस 21,300। देन गोडाउन रेंट इट इज 10,000, ठीक है। देन आ गया 25 ड्यू टू लीकेज हो गया। अब हमने इनको कमीशन देनी है, कमीशन कितनी देनी है, 5% ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल हमारी 9 लाख है, तो ये आ गया 45,000, ठीक है जी। देन सेंट्रल ऑयल पेड द अमाउंट ड्यू, बस खत्म। ये सारा उसका एक्सपेंस आ गया, सारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो अब हमने क्या करना है, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखो पहले हमने जो है अनसोल्ड स्टॉक इवेल्यूएट करना सीखा, फिर हमने एबनॉर्मल लॉस, अब हम नॉर्मल लॉस कर रहे हैं। तो नॉर्मल लॉस के लिए हाँ जी क्या स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमने कॉस्ट ऑफ टोटल लेनी है, कॉस्ट ऑफ 1,000 बैरल्स की लेनी है। कॉस्ट ऑफ 1,000 बैरल एट द रेट ऑफ 800 इज 8 लाख। इसमें हमने प्लस करने हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस, तो कंसाइनर के जो एक्सपेंस है दैट इज 50,000। तो इससे हमें क्या पता चले कि 1,000 बैरल्स की कॉस्ट 8,50,000। फिर हमने क्या करना है, यस एबनॉर्मल लॉस माइनस करनी है, कितनी है 25, तो ये आ गया 975। एबनॉर्मल लॉस कितने की है 21,250, तो ये आ गया हमारे पास 8,28,750। क्लियर है। अब इसके अगला स्टेप है कि हमने क्या करना है, इसमें इसके बाद इसमें हमने जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस है ना वो प्लस करने हैं कंसाइनी के, ठीक है। यही फ़र्क है लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, उसमें जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस थे गोडाउन के बाद के थे, तो इसमें हमें अनलोडिंग दी हुई है 2,500, ठीक है, वो हमने यहाँ पे प्लस करनी है। तो ये आ गया 8,31,250। दिस इज अ कॉस्ट ऑफ 975 बैरल्स। अब हमें पता चला कि देयर इज़ अ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितने की है 25 की, तो 950 यूनिट्स आएंगी और कॉस्ट सेम रहेगी। ये डिफरेंस है एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस में हमने क्या करना है, यूनिट्स भी और अमाउंट भी लेनी है, यहाँ पे हमने सिर्फ यूनिट्स माइनस करनी। जो कॉस्ट पहले 975 की थी, अब वो कितने की होगी 950। इससे क्या हो गया, पर यूनिट प्राइस इंक्रीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल्स कि जितनी भी यूनिट्स है वो माइनस कर देंगे। हमें पता है कि 750 यूनिट सेल हो चुकी हैं। नाउ वी आर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स जो कि अनसोल्ड है। कैसे फाइंड करेंगे, इफ द कॉस्ट ऑफ 950 इज दिस, 950 की कॉस्ट ये है, तो 200 की कॉस्ट क्या होगी, तो 200 की कॉस्ट आई 1,75,000। कैलकुलेशन करके देख लो, इट इज 1,75,000। जब हमें अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू पता चल गई तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखो कितना आ रहा है, दैट इज 1,17,450, ठीक है। अब इसमें आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना सकते हो। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हम बहुत बना चुके हैं, जिसमें हम लोग डेबिट करेंगे 21,250 और क्रेडिट करेंगे जो इंश्योरेंस का क्लेम होगा।
का, ठीक है जी। तो आप इसमें कंसाइनी का अकाउंट भी बनाओगे, जो बुक में दिया गया है वो सारे अकाउंट्स बनाने हैं। ये इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी कि अगर कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस दिए हैं तो आपने एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद उसके एक्सपेंसेस को प्लस करना है। बहुत ही सिंपल है, पहले टोटल यूनिट्स की टोटल कॉस्ट प्लस कंसाइनर का एक्सपेंस, फिर एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स भी माइनस करनी, अमाउंट भी माइनस करनी, अगर कंसाइनी का एक्सपेंस दिया है तो प्लस करना है, देन नॉर्मल लॉस की, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, 975 की कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो फिर हमने अगर नॉर्मल लॉस दी है तो यूनिट्स माइनस करनी है, अमाउंट सेम रहेगी, फिर आपने सेल माइनस करके ये पता करना है कि अनसोल्ड स्टॉक है कितना। अनसोल्ड है 200, इफ़ द कॉस्ट ऑफ दिस, सॉरी कॉस्ट ऑफ दिस इज दिस, देन वी हैव टू फाइंड द अनसोल्ड कॉस्ट। हाँ जी, इसी का हम कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं, सेंट्रल ऑयल कंपनी अकाउंट। तो उसने हमें एडवांस दिया था बाय बिल रिसीवेबल, ठीक है जी। उसने हमें, देखो क्वेश्चन में दिया है कि उसने हमें एडवांस दिया है, एडवांस कितना दिया है 5 लाख, और क्या दिया उसने, बिल रिसीव दिया, तो दैट इज़ ऑफ 5 लाख रुपीस, ठीक है। बाय कंसाइनमेंट, यहाँ पे उसके हम क्या लेंगे, एक्सपेंसेस 83,800, देन हमने क्या किया, कमीशन पे की है, तो कमीशन आ गई उसकी 45,000, ठीक है। उसने क्या किया, सेल की है, सेल कितने की है, 9 लाख रुपीस की, तो डेबिट में हमेशा सेल आएगी। क्रेडिट में अगर उसने कोई एडवांस दिया है, देन उसके एक्सपेंस, देन उसके कमीशन, जो डिफरेंस आ गया वो हमें बाय बैंक। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि उसने फाइनल पेमेंट कर दी, ठीक है, तो हम बाय बैंक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है सेंट्रल ऑयल पेड द अमाउंट, तो इट मीन्स कि उसने अमाउंट पे कर दी है, कितनी, 2,71,200, ठीक है। देन आ गई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जब हमने बनाना है तो देखो एबनॉर्मल लॉस हमने कितने की शो की थी, एबनॉर्मल लॉस थी हमारी 21,250 की, जिसमें से इंश्योरेंस ने हमें क्या पे किया, 15,000 बाय इंश्योरेंस क्लेम, 15,000 जो बच गया वो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, कितना आ गया, 6,250, क्लियर है। तो मैंने इसके दोनों अकाउंट्स जो रहते थे वो बना दिए, ठीक है। एक और वीडियो करेंगे जिसमें जो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दो या तीन टिपिकल क्वेश्चंस है वो भी करेंगे। अब यहाँ तक आप लोग कंसाइनी का अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बहुत ही अच्छे से देख लो, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कैसे ट्रीट करनी है, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही करने हैं, जो हमने उससे पहले इनवॉइस के क्वेश्चन किए थे, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो सिंपल क्वेश्चन भी डाल सकता है, ये नहीं कि वो सिर्फ टिपिकल क्वेश्चन ही डालेंगे। हमने जो रिवीजन करनी है, हमने सारे क्वेश्चंस की करनी है, सारे मेथड्स क्लियर करने हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।